मैं चाहता हूँ ऐसे पिछले काफ़ी इंसिडेंट हमारे साथ भी, मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। एयर इंडिया में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी स्टाफ से बड़े बुरा तरह बिहेव करा, उसके बाद गवर्नमेंट ने कानून भी बनाए और बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ जब तक ये कानून सख्त गवर्नमेंट पास नहीं करती, ऐसे पैसेंजर को जब ये पकड़ा गया था पहले तो इसका मेडिकल करना चाहिए था कि क्या उसने शराब तो नहीं पी रखी, नशे में तो नहीं था, और दूसरा ऐसे पैसेंजर को 4-5 दिन पुलिस हिरासत में रखा जाए ताकि उसको कुछ तो शर्म आए कि वो क्या कर रहा है, पब्लिक को बताया जाए कि ऐसे पैसेंजर को हमने ये 5 दिन रखा है। कि अगर कोई पायलट और कैप्टन जो उस प्लेन का है, अगर वो कंप्लेंट करता है कि भाई मेरी प्लेन के अंदर जो एक एयरलाइन स्टाफ थी उसके साथ इस तरीके से गलत व्यवहार किया, तो उस व्यक्ति को, उस पैसेंजर को 3 महीने के लिए ये एक तरह से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। और अगर बाकी एयरलाइंस, सिर्फ वही एयरलाइंस नहीं जो बाकी एयरलाइंस भी हैं, अगर चाहें तो, कंपलसरी नहीं है, अगर चाहें तो वो भी उसको ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है, तो इटसेल्फ एक बहुत अच्छा स्ट्रांग एक प्रावधान है किसी को एक सजा देने के लिए, जिससे हमेशा के लिए उसको एक इतनी अच्छी सबक मिले। प्रावधान सारे हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया हमारे यहाँ सिक्योरिटी के पूरे पुख्ता इंतजाम है, DGCA पूरा इसमें पुख्ता है, पर अभी कुछ और काम करने की जरूरत है क्योंकि ये ग्रोथ इतना जल्दी हो गया है तो काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर हो रही हैं। तो मुझे लगता है और भी काम होने की ज़रूरत है इसमें, कलेक्टिवली सारी एयरलाइन इनको आना चाहिए, क्योंकि एक एयरलाइन ने बार भी कर दिया तो वो दूसरी एयरलाइन पे चला जाएगा, इट विल बी अ रेवेन्यू लॉस फॉर दैट एयरलाइन। तो वो मुझे लगता है एक कलेक्टिव मीटिंग करके इनका एक वो एसोसिएशन हो, वो सब उसको बार करें, तब जाके इसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है कि वो टोटल किसी भी एयरलाइन के साथ कहीं पर भी फ्लाई नहीं कर सकता, तो शायद उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कमांडर को सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाज में सेफ्टी बधाए रखने का, कि इस तरफ का अनरुली पैसेंजर को क्या करना है, उनको भी यह ट्रेनिंग बताया जाता है सिक्योरिटी एक्सरसाइज में। भारत के रजिस्टर्ड जहाज में जहीं भी हो दुनिया में, और इंडिया का ऊपर, इंडिया का कोई स्टेशन में, हमारी इंडियन रूल लागू होता है, तो उसी मुताबिक एक्शन ले जा सकता। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।